आज सुबह सुबह हमें सूचना मिली थी रामनगर गांव में जो चेरई चौकी ओसिया थाना क्षेत्र में आता है और जिसपे तत्परता से सीनियर ऑफिसर्स मैं कलेक्टर साहब आई साहब डीसी साहब पहुंचे और एसएसएल टीम को बुलाया, डॉग स्क्वाड को ही बुलाया और कुछ जो आसूचना मानवीय आसूचना के आधार पर हमने इन्वेस्टिगेशन चालू किया जिसमें जो आज जिस परिवार में मृत्यु हुई है उन्हीं के परिवार में जो रिश्तेदार हैं और उनके ताऊ के लड़का जो पप्पू राम है उसे अभी हमने डिटेन किया है और उससे अभी गहनता से पूछताछ चल रही है। मर्डर वेपन उससे बरामदगी के प्रयास चल रहे हैं। पप्पू राम चनाव भैरा राम उम्र 19 साल है और पूर्व में कुछ जो इनके बीच में रंजिश हुई है उसको लेकर भी गहनता से अनुसंधान चल रहे हैं। प्राइमा फेसी अभी दो बातें आई हैं कि कुछ तो एक इन्होंने ज़मीन का विवाद बताया कुछ साल पहले था और कुछ जो एक्यूज्ड परिवार है जो आरोपी परिवार है उसके एक लड़के की मृत्यु सूरत में हुई थी इसको लेकर वहाँ पर अनुसंधान गुजरात पुलिस में जो चल रहा है उसकी भी हम लोग डिटेल लेंगे। कुछ ये बात आई है कि उस जो घटना हुई है उस आरोपी परिवार के लड़के के साथ उसमें कहीं इन्हें शक था कि इस परिवार का हाथ है और इसके लेकर भी रंजिश थी। तो दो एंगल है और अभी एग्जैक्टली कहना बहुत जल्दबाजी होगा तो हम लोग हर एंगल जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और इसने अभी हमें जो बताया है कि हत्या कैसे की, सुबह 4 बजे आया और कुल्हाड़ी के माध्यम से हत्या करके जलाया है और कुल्हाड़ी भी इसने हमें अभी बताया है कि कहाँ फेंका है वो भी हम लोग अभी बरामद करेंगे और इसमें सारे एंगल से अभी इन्वेस्टिगेशन ओपन है। ये एक प्राइमरी जो फाइंडिंग्स आई हैं वो अभी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। इसमें अभी हम लोग टेक्निकल डिटेल भी लेंगे और हर तरह का डिटेल जो है करेंगे। मल्टीपल टीम्स हमने बनाई है, लगभग पूरे जिले के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनको हमने सुबह बुला लिया था, हर एक को अलग अलग टास्क दे के हर एक चीज़ें अभी भी लोग गहनता से करें। तो ये जो भी मैंने बताया प्राइमरी फाइंडिंग है और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में और डिटेल होंगे हम लोग आप लोग से अपडेट शेयर करते हैं। जलाया किस पदार्थ से था, कुछ आइडिया लगा? किचन में जो अभी इनफ्लेमेबल मटेरियल होता है मतलब रसोई में उस तरह की बात आई है उसमें भी अभी उससे हम लोग बरामद करेंगे अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ उसके पास। सर पप्पू राम आया था तो पप्पू राम बाहर कौन सो रहे थे, पहले किसको मारा फिर अंदर गया, कैसे क्या थी? बाहर जो दोनों वृद्ध महिला और पुरुष थे उनको मारने की बात बता रहा है और अंदर वो जो उनकी बहू सो रही थी उसको मारने की बात बता रहा है और फिर बच्ची को भी उनके साथ जलाने की बात अभी बता रहा है। बट मैं बार बार आपसे ही कह रहा हूँ ये हमारी प्राइमरी फाइंडिंग्स हैं, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, टेक्निकल एनालिसिस, फोरेंसिक्स रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम लोग अगर कोई स्टोरी में और अपडेट आएगा तो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। पूरी घटना में एक ही शामिल है पप्पू राम? अभी हमने एक को अरेस्ट किया और अभी हम कुछ इस पर कह नहीं सकते हैं। हम लोग जैसा कि आपको बताया टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लोकेशंस लोगों को देखेंगे कि इससे बातचीत हुई, इसके फोन का एनालिसिस करेंगे। तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ ये प्राइमरी फाइंडिंग है और अभी जो हमने किया है उसका मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ। पोस्टमार्टम को लेकर क्या? पोस्टमार्टम मौके पर कलेक्टर साहब ने बोर्ड गठित करवा दिया था और मौके पर ही पोस्टमार्टम जारी है और हमारी जो एक्सपर्ट टीम है वो लगी हुई है। एफएसएल भी बहुत ही गहनता से सीन का एनालिसिस कर रही है। आईजी साहब ने भी स्वयं अपने निर्देशन में एफएसएल टीम को भी गाइड किया है कि क्या इसमें और हम लोग एविडेंसेस ले सकते हैं। तो कोई भी एविडेंस हम अनटर्न्ड नहीं छोड़ रहे हैं और कोई भी एंगल हम लोग अभी अनटर्न्ड नहीं छोड़ेंगे, सारे एंगल्स ओपन है। सर पूरे घटनाक्रम है क्या लग रहा है, जमीनी विवाद है या? अभी जो प्रारंभिक जो इनपुट्स आया है उसमें ऐसा लग रहा है कि इनके बीच में जमीन को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है। आपस में एक भाई है, उसके औलाद नहीं है और ये जो आरोपी है इसके चार भाई हैं, इसके जो चाचा के ताऊ के जो लड़के हैं वो चार हैं। तो जिस भाई के औलाद नहीं है उसकी जो हिस्से की ज़मीन है इसके बारे में अभी ये भी इनपुट्स आया है कि 4-5 साल पहले इस ज़मीन को बेचने को लेकर के इनके डिस्प्यूट हुआ था कि इस ज़मीन को आप नहीं बेच सकते और जो मृतक परिवार है इसके ऊपर इनको संदेह था कि ये कभी भी उस ज़मीन को बेच सकते हैं, अपने नाम लगवा सकते हैं। इसको लेके इनके बीच में डिस्प्यूट्स हुआ और वो ये भी आया कि सिविल सूट्स तक ये केस गया, बाद में इनके राजीनामा हुआ। मीनवाइल अभी जो लास्ट ईयर गत वर्ष जो ये आरोपी है इसके एक भाई की गुजरात में सूरत में संदेहजनक परिस्थितियों में मृत्यु हुई है और उस मृत्यु को लेकर के इनके मन में ये संदेह था कि उस मृत्यु में इस परिवार का हाथ है या इन्होंने वो मृत्यु षड्यंत्रपूर्वक करवाई है। इसको लेके इस युवक के और इनके परिवार में संदेह था
और ये जो घटना हुई है इसमें जो ही हमें पता चला आज की इस प्रकार से चार की हत्याएं हुई है, और तत्काल हमने मतलब पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पर पहुँचे, हमारी जो साइंटिफिक टीम है, FSL की टीम है, हमारी डॉग स्क्वेड है, सबको तत्काल यहाँ पे भेजा गया। हमारे SP साहब और चुनिंदा जो पुलिस ऑफिसर है वो तत्काल मौके पर पहुँचे, और हमने कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम अभी हमारा चल रहा है, और ये केस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, पर्दाफाश हो गया है लगभग, और अब ये है कि इस घटनाक्रम में जो भी लिप्त लोग हैं उनकी कड़ियां जोड़ करके साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर आगे बढ़ते हैं। अच्छा सर, पप्पूराम आया था रात को, कुल्हाड़ी से हमला किया, क्या कुछ उस समय उनसे कोई कहा सुनी या कुछ झगड़ा कुछ ऐसा हुआ था? प्राइम एफएससी अभी ऐसी चीज वो अभी सामने नहीं आई है, कुछ खरोंच सर उसके बॉडी पे, उसका एनालिसिस हम लोग करेंगे, कुछ खरोंच उसके बॉडी पे आया, देखेंगे पहले कहा है कि घटना के समय का एनालिसिस करेंगे उसका, कि किस प्रकार से इस षड्यंत्र में और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस प्रकार से प्लांट करके इन्होंने किया है, ये इन्वेस्टिगेशन का अभी मुद्दा है जो गहनता से चल रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पुलिस के पास जो ही इतला मिली, पुलिस ने हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको क्विक से क्विक रेस्पॉन्स करते हुए वरिष्ठ अधिकारीगण मौके पर पहुँचे हैं। साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एक सबसे बड़ी कड़ी होती है, उसके लिए हमने हमारी FSL की टीम और हमारा डॉग स्क्वाड तत्काल यहाँ पर मूव करवा के यहाँ पर पहुँचा है। सभी हमारे चुनिंदा पुलिस ऑफिसर हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन का अच्छा अनुभव रखते हैं, उनको सबको इसमें साथ में लगाया है, और जिला प्रशासन की तरफ से भी वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पधारे हैं, जिला कलेक्टर तत्काल यहाँ पे पहुँचे हैं और डिविजनल कमिश्नर साहब भी यहाँ पहुँचे हैं, और अब हमारी यही अपील है कि पुलिस अपना काम कर रही है और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। अनावश्यक जो भ्रम फैलाया जा रहा है या जो लोगों को उकसाने का काम किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, शांति व्यवस्था में सहयोग करना चाहिए। थैंक यू सर। मैम ने कहा था कि जिले में जब भी जाएं कलेक्टर SP साथ जाके करें, उसका एक उदाहरण देखने को मिला है आज कार्रवाई किस तरीके से यहाँ अंजाम दिया गया, क्या घटनाक्रम था? देखिए, मैं सिर्फ SP साहब ग्रामीण की नहीं, कमिश्नर की भी बात करता हूँ। हमें कॉन्फिडेंस है पूरे ज़िले में कि जब भी ऐसी कोई बात होती है, या आज जैसे था तो SP साहब और हमारी लगातार चर्चा हो रही थी और उनकी बात हम स्वीकार करते हैं, हमारी बात वो स्वीकार करते हैं, तो एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हम काम करते हैं। तो उसी एवज में जहाँ जहाँ प्रशासन की रिक्वायरमेंट थी, आवश्यकता थी, वहाँ पे हमने सहयोग करा, और मैं आपके माध्यम से SP साहब को धन्यवाद दूंगा कि इतनी जल्दी ये जो निर्मम जो घटना है इसका खुलासा करा है। हालांकि जैसे SP साहब ने कहा कि ये अभी प्राइमा फेसाई फाइंडिंग्स है, डिटेल जब तफ्तीश होगी और चीज़ें निकलेंगी उसमें आपको रूबरू करा दिया जाएगा, और अभी पोस्टमार्टम चल रहा है और जल्दी ही हम प्रयास करेंगे इस मामले को क्लोज करते हैं। ठीक है।